हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा, तो जिनका भी क्लियर हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करिए। और जिनका नहीं हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं और कभी कभी सक्सेस हमें टाइम पे मिलती है। शायद यही रीजन है कि मेरा जो फेलियर की जर्नी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ है, मैं अपना रिजल्ट शो कर रही हूँ। मेरा ये थर्ड मेंस था, लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था और उससे पहले मेरा 0.33 से 2020 में क्लियर नहीं हुआ था मेंस। तो यहाँ पे अभी देखना है कि कितने नंबर्स रह गया है। शायद मुझे लग रहा है कंप्यूटर में मेरा सेक्शनल रह गया होगा, स्कोर आए तो पता चले कि ओवरऑल नहीं हुआ है या सेक्शनल। ये मेरा अभी 14th मेंस था और लास्ट जितने भी मैंने मेंस दिए हैं, किसी में पॉइंट से बहुत ज्यादा एग्जाम है जिसमें पॉइंट पॉइंट से मेंस नहीं हुआ है, चाहे वो क्लर्क का हो या पीओ का। और ओवरऑल मेरा 25th एग्जाम है बैंक का। तो हार नहीं माननी है, अभी और मेहनत करनी है, शायद अभी हमारा टाइम नहीं आया है सक्सेस का। तो जिनका भी क्लियर नहीं हुआ है, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ठीक है, मेहनत करनी है और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, शायद मेहनत में कुछ कमी रही होगी। हालांकि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा नहीं हुआ था, मतलब लेकिन तब भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद क्लियर हो जाएगा, भले ही स्कोर बहुत अच्छा ना हो, बट लग रहा है कि अच्छा ही हुआ। अगर एक नंबर से क्लियर भी हो जाता तो जब 1 जनवरी को रिजल्ट आता है ना, तब जब वो फेलियर होता है फाइनल वाला, वो और ज्यादा हर्ट करता है। लास्ट ईयर यही हुआ था, 2 मार्क्स एबव था कट ऑफ से और इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो उसमें बहुत ज्यादा फिर दुख होता है। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जैसे कि एक फेलियर से कैसे डील कर सकते हो। सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि हम और पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, जो हमारी कमियां हैं उनको हम दूर करेंगे। दूसरा, अगर आप हार मान लोगे तो आपकी जो फेलियर की कहानी है या सक्सेस की है वो सब एंड हो जाता है यहीं पे, ठीक है। तो ठीक है, फेलियर एक पार्ट है लाइफ का, और मुझे लगता है जिस दिन सक्सेस मिलेगी ना, आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपके फेलियर्स आपको मोटिवेट करेंगे, ना कि सक्सेस। जिनका भी नहीं हुआ है, आप लोग परेशान नहीं हुए। हालांकि होता है कि थोड़ा टाइम लगता है इसे ओवरकम करने में, कोई बात नहीं, ठीक है। और आईबीपीएस पीओ मेंस है अभी आगे, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है, वहां पे कोई कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कमियां थी लाइक करंट अफेयर एंड कंप्यूटर ऑल, तो वहां कंप्यूटर तो उसमें आएगा नहीं, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर अच्छे से पढ़ाई करनी है और एग्जाम को क्लियर करना है। जिनका भी नहीं हुआ है, बी स्ट्रांग, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम को लेके बैठेंगे ना, इसके रिजल्ट को, तो नेक्स्ट एग्जाम पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जिनका भी हो गया है, ठीक है, तो वो अपना अच्छे से पढ़ाई करिएगा। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस देखते हैं, शेयर करेंगे तो करेंगे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, तो कोशिश करेंगे कि मैं शेयर करूं, ठीक है। बाकी आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, वही करना है कंटिन्यू अभी। तो आज तो पूरा मूड ऑफ हो चुका है, कल से मैं स्टार्ट करूंगी। कोई नहीं, चलता है यार, सब होता है, लाइफ है। फेलियर्स लाइफ हमारी खत्म थोड़े ना कर सकते हैं, फेलियर्स जस्ट ए पार्ट है लाइफ का और हमें डील करना पड़ता है। बट आई थिंक कुछ ज्यादा ही फेलियर्स हो चुके हैं मेरी लाइफ में, कुछ चीजें होती हैं हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है, और आने वाले एग्जाम्स पे फोकस करिए। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है, परेशान नहीं होइएगा। सो टेक केयर, बाय।